हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। साइन हमें गिवन है बिटवीन द फ्रैक्शन। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें फिगर दिया है इसे एज अ फ्रैक्शन राइट करना है। देन हमें इन फ्रैक्शन को असेंडिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे, जब भी हमें फ्रैक्शन में, जैसे हमें फ्रैक्शन 1/4, 6/4, 8/4, 9/4, अब हमें ऐसे फ्रैक्शन गिवेन हो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, एंड जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। जैसे अब हम इसमें कहें विच वन इज़ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, देन 9/4 इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड 1/4 इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हमने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर हमें देखना है। जब भी हम डिनोमिनेटर सेम होगा देन न्यूमरेटर कंपेयर करना है। एंड जब हमें, मान लीजिए हमें ऐसे न्यूमरेटर सेम न्यूमरेटर गिवेन हो, जैसे हमें गिवेन हो 2/7 एंड 2/9। जब हमें न्यूमरेटर सेम गिवेन होंगे तब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। एंड जिसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, जब न्यूमरेटर सेम होंगे देन हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, और जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, लेसर होगा, वो फ्रैक्शन छोटा होगा। जैसे 2/7 इज़ लेस देन 9, सो 2/7 इज़ ग्रेटर देन 2/9। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, जब हमें कोई ऐसे फ्रैक्शन गिवेन हो जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही सेम ना हो, देन हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें गिवेन है 2/3 एंड 5/4। अब यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है एंड ना तो डिनोमिनेटर सेम है, देन हम कैसे जानेंगे कि विच वन इज ग्रेटर। तब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। दोनों को इक्वेलेंट कैसे फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी हमें डिनोमिनेटर गिवन होगा उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 3/4 का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम में आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एलसीएम जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप एलसीएम की वीडियो देखें जो प्रीवियस चैप्टर में है, देन आप अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 3/4 का एलसीएम लेंगे। तो 3/4 का जब एलसीएम लेंगे 12 आएगा। अब हमें इसको इक्वेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। हम यहाँ देखेंगे कि हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। सो हम यहाँ पे 3/4 जो 12 होता है, तो जब भी इक्वेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं जिससे हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उससे हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही यहाँ पे हम 4/3 = 12 होता है, सो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/4 = 8 अपॉन ये 12, 5/3 = 15 अपॉन 12। अब यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तब क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। सो 15 इज़ ग्रेटर देन 8, इट्स मीन 15/12 इज़ ग्रेटर देन 12। इसी तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं 5/4, ये वाला पोर्शन ग्रेटर है, इट्स मीन 5/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3। सो ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एंड आगे क्वेश्चन में हम समझेंगे जो भी। अब हमें सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में राइट करना है। सो अब इसमें टोटल फ्रैक्शन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेशन कितना है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल पार्ट हैं 8। एंड सेडेड पोर्शन क्या है, 1, 2, 3, सो द सेडेड पोर्शन इज 3। 8 में से 3 पोर्शन सेडेड हैं, सो द फ्रैक्शन इज 3/8। एंड द इसका नेक्स्ट, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पोर्शन सेडेड हैं एंड टोटल पोर्शन 8। ऐसे 1, 2, 3, 4 फोर सेडेड हैं एंड टोटल 8। ऐसे 1/8। अब हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ए में हमारे पास कौन कौन से फ्रैक्शन आए, 3/8, 6/8, 4/8, 1/8। तो सभी में क्या है, सभी में डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा
देन हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. सो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू, सो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर. तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, वन. सो वन अपॉन एट. एड हमें क्या करना है, ये साइन भी यूज़ करने हैं. तो सो सबसे छोटा वन अपॉन एट है. सो अब हम नेक्स्ट इससे ग्रेटर लिखेंगे. सो स्मॉलेस्ट की ओर जब भी हम ये करते हैं तो ये जो नोक होती है वो स्मॉलेस्ट की ओर आती है, एंड इसके बगल में हमें इससे ग्रेटर लिखना है. देन ग्रेटर में ये जो मुंह ओपन होता है ये ग्रेटर की ओर होता है, तो इससे बड़ा क्या होगा, 3 अपॉन 8. सो ऐसे हम साइन भी यूज़ करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज 4 अपॉन 8 एंड नेक्स्ट 6 अपॉन 8. तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया. एंड नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, अब हम इसी को उल्टा लिख देंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, ऐसे हम राइट करते हैं. तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, 6 अपॉन 8. सो सबसे पहले हमने 6 अपॉन 8 लिखा. अब इससे छोटा हम लिखेंगे, देन हम ऐसे लगाएंगे, ये बड़ा है, देन ग्रेटर मुँह ओपन किस ओर होता है, जैसे एक क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का मुँह ओपन होगा जिधर वो बड़ा सा बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो ये बड़ा फ्रैक्शन है. सो ग्रेटर साइन इस साइड लगेगा. एंड नेक्स्ट 4 अपॉन 8 एंड नेक्स्ट 3 अपॉन 8 एंड नेक्स्ट 1 अपॉन 8. सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड द नेक्स्ट बी पार्ट है, इसको भी हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे. सो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पार्ट है 9 एंड सेडेड पोर्शन है 8. वन छोड़ के बाकी सारे सेडेड हैं, इट्स मीन सॉरी टोटल पोर्शन है 9 एंड सेडेड पोर्शन इज 8. एंड अब यहाँ 1 2 3 4, सेडेड पोर्शन 4 एंड टोटल 9, सेडेड पोर्शन 3 टोटल 9, सेडेड पोर्शन 6 एंड टोटल 9. अब हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो बी पार्ट हमारे पास कौन कौन से फ्रैक्शन है, 8 अपॉन 9 एंड नेक्स्ट 4 अपॉन 9 एंड नेक्स्ट 3 अपॉन 9 एंड 6 अपॉन 9. तो यहाँ पे भी हमारे पास सभी में डिनोमिनेटर सेम है. तो जब भी डिनोमिनेटर सेम है हमें क्या करना है, बस हमें न्यूमरेटर का कंपेयर करना है. सो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे, सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ऐसे हम राइट करते हैं. तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 3 अपॉन 9. बस हमें न्यूमरेटर देखना है, जो न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले राइट करेंगे. सो 3 अपॉन 9 एंड हमें साइन भी यूज करना है, ये सबसे छोटा. सो इसकी ओर हम ऐसे राइट करेंगे 3 अपॉन 9 एंड नेक्स्ट 4 अपॉन 9 देन 6 अपॉन 9 देन 8 अपॉन 9 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. सो इसको हम लास्ट में लिखेंगे. एंड नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, सो इसका उल्टा हम लिख देंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा रेंज लिखते हैं. सो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 8 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन 6 अपॉन 9 एंड नेक्स्ट 4 अपॉन 9 एंड नेक्स्ट 3 अपॉन 9. सो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले सो 2 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 6 अपॉन 6 ऑन द नंबर लाइन. सबसे पहले ये हमें फ्रैक्शंस जो हैं वो नंबर लाइन पे शो करना है. पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवेन. उसके बाद हमें जो फ्रैक्शन गिवेन है उसमें साइन यहाँ पे कि विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ स्मॉलर, हमें यहाँ पे साइन लगाना है. तो सबसे पहले चलिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. तो जब भी हमें फ्रैक्शन गिवन हो और हमें नंबर लाइन पे शो करना है, हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में 6 है, इट्स मीन
हमें हर पार्ट को सिक्स सिक्स पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे 0/1 इसको हम सिक्स पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? 6, बिकॉज 6/6 क्या हो जाएगा? 1। 6/6 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। अब हम देखेंगे इसमें 6, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1, सेकेंड पार्ट ये 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पार्ट हो गए 0 से 1 के बीच में। अब हमें यहाँ पे जैसे ये क्या होगा, ये जैसे हम इसको क्या कह सकते हैं, 0/6 ये 0 ही हो जाएगा एंड 6/6 इक्वल टू 1। सो 1/6 ये क्या हो जाएगा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड दिस इज 6/6। एंड अब हमने एक पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम जैसे हमें पहला क्या शो करना है, 2/6। 2/6 कहाँ पे है? यहाँ पे एरो लगाएंगे एंड दिस इज 2/6 एंड द नेक्स्ट इज 4/6। 4/6 है यहाँ पे, सो हम यहाँ पे एरो लगाएंगे एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 4/6 एंड नेक्स्ट 6/6 है, सो 6/6 यहाँ पे है, यहाँ एरो लगाना है एंड रिप्रेजेंट कर देना है यहाँ पे 6/6। एंड अब हमें यहाँ पे 8/6 रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक हमने 6/6 तक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है एंड अब हमें 1 और 2 के बीच में इसको इक्वल पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 2 यहाँ पे ले लीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, 7/6 एंड दिस इज 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 12/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12/6, 6 1 6, 6 2 12 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, 8/6, सो 8/6 यहाँ पे है, सो हम यहाँ पे एरो बना के 8/6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट है पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस। अब हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवेन है जहाँ पे हमें साइन मेंशन करना है कि विच इज़ ग्रेटर और विच इज़ स्मॉलर और इक्वल टू। सो 5/6 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है देन हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। सो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है 5, अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, सो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, इट्स मीन 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6 एंड द नेक्स्ट इज 3/6 0। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, सो 0 यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 3/6 है, 3/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। 0 मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है बट यहाँ पे 1/2 है, इट्स मीन दिस इज ग्रेटर देन, सो 3/6 इज ग्रेटर देन 0 एंड द नेक्स्ट इज 6/1/6 इक्वल 6/6। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है देन हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 1, सो 6/6 इज ग्रेटर देन 1/6 एंड द नेक्स्ट 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6 बिकॉज क्या हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है देन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर कर देंगे। सो न्यूम 8 इज ग्रेटर देन 5, इट्स मीन 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6 एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कंपेयर करना है, सो अब हमें यहाँ पे कहीं देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है देन हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सो 5 इज ग्रेटर देन 3, इट्स मीन 5/6 इज ग्रेटर देन 3/6 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में है न्यूमरेटर सेम है, तो जब भी हमें न्यूमरेटर सेम होगा देन हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं एंड जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, जैसे यहाँ पे 4 इज लेस देन 7, जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, सो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/7। जैसे आपके पास एक पिज्जा है, मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है, ये एक पिज्जा को आपने 7 पार्ट में डिवाइड किया एंड एक पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड किया,
तो आपको कौन, जब आप फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे देन आपको क्या करें, यहाँ पे आप किसी पिज्जा को फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर आपको एक पार्ट, फोर में से एक पार्ट मिलेगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड अगर एक पिज्जा को आप सेवन पार्ट में डिवाइड कर दो अब सेवन पार्ट में से अगर आपको एक पार्ट मिलेगा तो कौन सा पार्ट ज़्यादा होगा? वन, अगर यहाँ पे सेवन पार्ट में से एक पार्ट मिलता है, यहाँ फोर में से एक पार्ट मिलता है तो कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा होगा? सो वन अपॉन फोर, जिसके पार्ट कम, जिसको कम पार्टों में तोड़ा गया होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो ऐसे भी हम जान सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला, जिसको कम पार्ट में टोटल पार्ट कम होंगे वो वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलेगा। सो वन अपॉन फोर इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन सेवन। एंड नेक्स्ट, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है देन हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, सो कौन सा ग्रेटर होगा? फाइव इज़ ग्रेटर देन फोर। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, सो फाइव इज़ लेस देन सेवन, फाइव लेस है, इट्स मीन थ्री अपॉन फाइव ग्रेटर होगा, थ्री अपॉन फाइव इज़ ग्रेटर देन थ्री अपॉन सेवन। सो दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड एंड वी विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।